सबका स्वागत है जी एक बार फिर परी रानी सूट में। एक आज मेरे पास एक कुरियर है और एक स्लिप है और एक पेटीएम का प्रूफ है जो हमने किसी को पैसे भेजे। बताती हूँ क्या है भाई। एक प्रियंका के नाम से एक लड़की ने हमारे पास ऑर्डर किया जो हम सूट दे रहे हैं 2200 का, व्हाइट डॉट्स वाला इसके अंदर है वो सूट है। उसने हमारे पास से ऑर्डर किया, करने के बाद उसने कहीं से पता लग गया इस सूट की मिल गई उसको कॉपी, उसको पता लग गया 1700 का 1800 का ये सूट मिल रहा है, उसके मन में आ गया लालच। तो बंदी ने क्या किया, जब हमने ये सूट उसके पास भेज दिया, देखो मैं आपको स्लिप दिखाती हूँ, ये कुरियर वालों की स्लिप है, ये तब लगती है। देखो हमने कुरियर करवाते है, देखो हम चलो उसका नंबर और वो नहीं दे रहे, ये देखो ये दिख रहा है ना, ये स्लिप तब लगती है जब कुरियर जाता है। दो बंदी के पास कुरियर भेजा, लेने से मना कर दिया उसने कुरियर जब उसके घर पर चला गया। ये स्लिप देखो प्रियंका के नाम की स्लिप है जो कुरियर वालों ने दे रखी है, ये स्लिप भी हमारे पास, और ये पैकेट मैंने खोला नहीं, वहां जाकर मना कर दिया। मुझे फोन करके कहती है कि मेरा सूट नहीं आया, मेरे पैसे वापिस दो। दो बार मना कर चुकी है, कहती है आपने ना अपने पास सूट रख लिया, दिया नहीं है मुझे, इस पे डिटेल है कब किस तारीख न गया था किसने नहीं गया, इस पे भी डिटेल है, सब डिटेल है, बकायदा मेल है जो उसने रिसीव करने से मना कर दिया, कुरियर वालों की मेल भी है कि भाई ये बंदी रिसीव नहीं कर रही। फिर कहती मुझे पैसे दो, मेरे पैसे दो, मैं तो 1700 का लूंगी, वहां से 1700 का मिल रहा। मैंने भी बोला उसने, मैं चल ठीक है वाणी तू 1700 का ले ले, तने लेना है हम एक काम करे, पैसे तेरे जब देंगे जब मेरे पास सूट आ जाएगा वापिस, मैंने मेरा सूट तो चाहिए, मैं तेरा मेरा सूट आ जाएगा तो मैं तेरे को पैसे वापस दे दूंगी। हालांकि जब सूट ऑर्डर हो जाता है ना कोई पैसे नहीं देगा वापस, आपको पता भी है, पैसे मेरे अकाउंट में आ चुके थे, सूट मैंने भेज दिया लेकिन वो सूट नहीं ले रही थी। मैंने फिर कुरियर वालों को फोन किया, मां भैया आप एक काम करो मेरा सूट वापिस ले आओ, ना लेने दो उसको, आप बार बार चक्कर मत काटो। मैंने दो बार कुरियर करवाया, ये बार बार वापिस भेज दी, लेने से मना कर दिया। जब दो बार कुरियर वाले गए उनको उसने मना कर दिया। फिर मुझे कहती या तो मेरे पैसे दो नहीं तो मैं आपके चैनल को आपके उसको परी रानी सूट को बदनाम करूंगी कि इसने मेरे पैसे रख लिए। आप एक बात बताओ, जब बंदी सूट उसने ऑर्डर कराया है नहीं ले रही तो किसने किसके पैसे रखे। मैंने बोला चल ठीक है तू मेरा सूट दे दे, मैंने इस बात का कोई मतलब नहीं, सूट आते ही मैं तेरे पास पेटीएम कर दूंगी। जैसे उसका सूट आया है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ एक चीज, ये देखो ध्यान से देख लो, ये 2000 रुपये मैंने बंदी को पे कर दिए, 2200 का सूट था, हाँ मैंने 200 रुपये काटे, मैंने बोल कर काटे भाई मैं 200 रुपये कुरियर के काटूंगी तेरे, क्योंकि दो बार मैंने कुरियर वाले भेजे दोबारा तो 200 रुपये काटे। यहाँ पे आ चुके हैं ये देख लो, उसके पैसे भेज चुके हैं, सूट मेरे पास आ गया, मैंने वापिस मंगवा लिए, हमने भेज दिया था उसने नहीं लिया। अभी वो क्या कर रही है, वीडियो पे जाके यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे कह रही है कि मेरे पैसे खा लिए, मेरे पैसे नहीं दिए। तो अब ये बताओ वो फ्रॉड है कम फ्रॉड है, कौन है फ्रॉड, वो जज कैसे मैसेज कर रही है। जब वो सूट नहीं ले रही, पैसे मैंने उसको वापस कर दिए हैं, तो गलत कौन है, उसको लालच आ गया 1700 के सूट का कि भाई मैं तो ये कॉपी वाले लूंगी। और उस बंदी का भी ये शर्म नहीं है, वो ये नहीं सोच रही कि भाई जब इन्हें पैसे भी दे दिए मेरे, चलो सूट भी वापिस ले लेनी। आप खुद बताओ, आप लोग इस चीज का तो आपको भी बेरा, जो एक बार ऑर्डर हो जाता है उस सूट को कौन लेता वापिस, कोई भी नहीं लेता। मैंने फिर भी बोला मैं चल कोई नहीं छोड़ तू मेरा सूट वापिस दे दे, मैंने फालतू का फंड चाहिए नहीं, ना मेरे पे इतनी सरदर्दी ली जाती। लेकिन ये वही याद की बातें करनी इसने, और बेरा नहीं कितना तो इसके द्वारा टाइम है भी, मेरे यूट्यूब पर आके भी कमेंट कर रही है तो मैंने इसे पैसे भी लुटा दिए है, उसके बाद कमेंट कर रही है पैसे आने के बाद भी, तो या मेरी वीडियो जरूर देख दी होगी। तो या सिर्फ हमने आप लोगों तक बतानी थी इसी वही या तो रहता है ना, दो चार इनके पास इतना फालतू टाइम है, इनके के रूल रेगुलेशन होते शॉपिंग के, क्या करना होता इन्हें किसी चीज का नहीं बेरा, या तो इन्हें लाइफ में पहली बार शॉपिंग करी थी, या इसने आदत है इधर उधर देखने की, वो कौन कितने का दे रहा कौन कितने का दे रहा है, तो या पूरा गंद मचा रही आज के टाइम में। और सुन, अगर मेरी वीडियो देख रही है ना, मेरा 1% भी तू कुछ बिगाड़ नहीं सकती, ना तेरे भोकने था मेरा कुछ हो सकता, जो तेरे जी माता खुली बक तू जो तने बकड़ा, तने अपनी औकात दिखा दी, तने पैकिंग वापिस भेज दी, तने अपने पैसे भी ले ले, तो इससे ज्यादा तू क्या घटियापन नीचपन करेगी, जब तू फिर भी कह रही है हद की बात है, मतलब
बहुत, ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वो इस यूट्यूब पे आके इंस्टाग्राम पे सूटा के नीचे मैसेज कर रही है, और ना टी ना तेरी ऐसी रिपोर्ट ठोकूंगी, ऐसी ठोकूंगी तना बेरा भी लग जाएगा, क्योंकि हर प्रूफ है मेरे पास, मेरे पास कुरियर है, ये स्लिप है, बकायदा मेल भी है, जिनने मेरे को ये बोला भाई इसने रिसीव नहीं करा कुरियर, इसका एक एक मैसेज है मेरे पास, एक एक मैसेज का मैंने स्क्रीन शॉट ले रखा, मैंने ब्लॉक करके भाग गई, नहीं तो उसने इसी सुना पैसे भेज रखे उसका स्क्रीन शॉट, बैंक स्टेटमेंट, यार इबी भी नहीं हटी ना अपनी औकात, फिर मैं भी कम ना हूं, मेरी पता क्या आदत है, मैं पहले किसी बंदे तक कुछ कया नहीं कर दी, और जो कोई बकवास करा ना फिर मैं चुप भी नहीं रहा कर दी, ठीक है, तो जो इतना करना ना तू कर ले, जो मेरा कुछ बिगाड़ सकती है ना तेरे में दम है बिगाड़ दे, क्योंकि मेरे पास एक एक प्रूफ है, मैं सच बोल रही हूँ, तेरे की तरह ना मैं भी झूठ बोल सकू थी कुछ कुछ, मैं ये भी कह सकू थी कि हाँ भाई उसने मेरा सूट रख लिया, क्या कर लेती तू मेरा, कुछ कर सकती थी झूठ के सहारे पर, मैं आगे बहुत वीडियो बना सकू थी, लेकिन मैंने तेरे की तरह गंद नहीं मचाना, ना मैंने झूठ बोलनी ना यो काम करना, मैं चलू सच्चाई के साथ, हमेशा चलूंगी, पूरे प्रूफ है, मेल के प्रूफ है, स्क्रीन शॉट है, जो मैंने तेरे पास पैसे भेजे रही सूट है मेरा, ठीक है, जो तेरे पे खड़ना हो ना तेरे तक खुली छुट्टी है, जा यारे नहीं डरा कर दे, तेरे वर्गी तो 70 आई यार 70 हुई, समझ गई ऐसे बोलने वाली, तो बात यह है इनका तो फालतू का काम है यार, तो नुए और सुन, एक नोर कही है मेरे तक उसका और स्क्रीन शॉट दूंगी, एक नोर मेरे तक कही बुलाई, इसकी तो आदत है, या आपके मैसेज हमारे पे भी नुए करा है, मंगवा वह कोई सा फिर कहेगी ये मेरा वापिस कर दो, मैं तो वहां से मंगवाऊंगी, एक नोर बताइए मेरे तक, तो इसकी तो आदत खराब है, तो भोकने दे, तेरे भोकने दे, मेरा कुछ फर्क नहीं पड़ता, वीडियो तने मेरी देख ली होगी, और जो तेरे पे उखड़ता है ना उखाड़ ले, जा कती खुली छूट है, तो ये मैं दिखाऊंगी सूट, हद कर दी, मतलब हम यार सूट बेच रहे ऑनलाइन बेच रहे हैं भाई, आपको दिखाते हैं हर कपड़ा दिखाते, ये नहीं कि दो दिन के बाद अब आप ये ओरिजिनल चीज देख रहे हो, ये ओरिजिनल आ गया, हमने 2300 रुपए का बेच दिया सूट, आपने नकली की थी कॉपी, इसका 1700 का मिल गया, 1500 का मिल गया, तो आप लेने के बाद फिर ये कहोगे ना मैंने तो लेना था, इतना कॉपी लेनी तू मेरे लखा चाहे 500 के पैर, मैंने इस चीज का मतलब ही नहीं, तो फिर तू बढ़िया सूट ऑर्डर क्यों कर रही है, करे मत ऑर्डर, कॉपी ले लेकर पैर क्यों, किसी के अच्छे सूट उनको ऑर्डर करती है, जब तक पैर नहीं है कॉपी है, तो दूसरे के उसमें इंटरफेयर करना हो चुकी है इसकी आदत है।